वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार जोन एक्सेसरीज करोल बाग में। अगेन अपने सामने खड़ी है महिंद्रा की एक्सयूवी 700। सबसे पहले मिलते हैं रोहित भाई से। रोहित भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। तो रोहित भाई कौन सा वेरिएंट रहने वाला है? MX अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है। आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं इसका स्टूडियो पैनल से। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, MX में ही आपको 8 इंच का स्टूडियो मिलता है। इसके अपर मॉडल में अपना जो है वो आ जाता है 10.3 वाला। अभी इसके अंदर हमने एंड्रॉइड अपग्रेड करा है प्लस 360 कैमरे के साथ। ठीक है, अभी अपग्रेड होगा इसका। ऑल ओवर मैं आपको लुक दिखा दूं, अभी कुछ ऐसा ही है। अलॉय भी इसके अंदर डालेंगे, अभी 17 इंच स्ट्रोक टायर में जेनवन रहेगा। हेडलाइट इसके अंदर चेंज होंगे, टॉप मॉडल वाले जो DRL वाला होता है, X3 वाला होता है वो, ठीक है, वो इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे आप चेक करोगे, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गाड़ी में। हेडलाइट यहाँ से निकाल दी गई है, वहाँ वाली हेडलाइट जो है उसको निकाला जा रहा है। बिल्कुल। तो जो अपनी जेनवन लगी हुई कहाँ पे रखी हुई है? ये कुछ इस तरीके का होगा अपना जेनवन वाला, ये रहा डब्बा पैक अपना। ठीक है, ये अपना निकलेगा, ये लगेगा अपना। तो महिंद्रा जेनवन जो है वो रहने वाली है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये और महिंद्रा की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल। तो इतने बड़े डब्बे के अंदर एक ये देख सकते हो आप, जेनवन जो है वो रहने वाली है। प्रॉपर आपको यहाँ पे सारे नंबर वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो हेडलाइट रहने वाली है, इसके अलावा क्या रहेगा? LED अपग्रेडेड है, साइड से मिरर है अपना, बैक से टेल लाइट सिक्वेंसर वाला इसके अंदर में, स्टेरिंग बटन है, ऑल ओवर काम है इसके अंदर कंप्लीट होने वाला। एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ, जिसमें क्रोम का काम है हो चुका है इसके अंदर, जो कि आप देख सकते हो। बाकी फॉग लाइट का काम इसके अंदर कंप्लीट है। जो काम कंप्लीट होने वाला, डैम्पिंग है इसके अंदर में, आप डैम्पिंग देख सकते हो, डोर लेयर डैम्पिंग इसके अंदर हो रहा है अपना। ठीक है, ठीक है। तो एक शीट अंदर की तरफ जो है वो यहाँ पे चल रही है, और एक शीट यहाँ पे बाहर की तरफ आप चेक कर सकते हैं। दरवाजे पे काम जो है कंप्लीट अपना हो चुका है। बिल्कुल। उसका पीछे रिफ्लेक्टर का काम चल रहा है, टेल लाइट इसके अंदर लगेगा अपना, टॉप मॉडल वाला, जो कि टेल लाइट इसके अंदर लड़के ने लेके आ चुका है। तो ये भी जेनवन रहेगा? हाँ, ये भी जेनवन रहेगा। टेल लाइट लगा दिया? टेल लाइट लगा, टेल लाइट लग चुका है अपना, बेस मॉडल वाला ये हमने हटा दिया। ठीक है, टॉप मॉडल हमने इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पे टेल लाइट जो है वो अपनी लग चुकी है। हाँ, और जो इसमें से निकली है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये रखी हुई है, ये रखी है, चली जाएगी, इनको हम दे देंगे वापस। ठीक है, ठीक है। बाकी रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके का आता है, ये रिमूव हमने कर दिया और मैट्रिक्स वाले लगा दिए। बिल्कुल। बाकी चीज़ों के बॉक्सेस जो है वो अपने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने टेल लाइट दिखाई जो कि इंस्टॉल हो चुकी है, और टेल लाइट का बॉक्स जो है वो अपना यहाँ पे रखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। महिंद्रा जेनवन जो है वो अपना रहने वाला है। इसके अलावा आउटसाइड मिरर के अंदर भी अपडेट रहेगा, तो आउटसाइड मिरर के जो बॉक्सेज हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी हैं अपने, MID बटन वगैरह हैं, वो सारे जेनवन जो है वो लगने वाले हैं, जिनके बॉक्सेज यहाँ पे रखे हुए हैं। एक एक करके काम का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ता है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ रहेगा। हैंडल वगैरह जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी जेनवन जो है वो रहने वाला है। बॉक्स आपके सामने मैंने यहाँ पे अनबॉक्स किया है। बाकी मिरर जो है वो अपना यहाँ पे रखा हुआ है, ये अपना जेनवन रहने वाला है। तो अभी निकालते नहीं है, अपडेट की बात करेंगे तो अपने यहाँ पे जो हेडलाइट है उसे कम्प्लीटली चेंज किया जा चुका है। X3 वाली जो हेडलाइट है जिसमें DRL आती है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, और हेडलाइट के अंदर जो अपना लो बीम और हाई बीम रहने वाला है, इसके अंदर LED बल्ब जो है इंस्टॉल किया जा चुका है। साइड में आप देखोगे अभी अलॉय व्हील पे अपडेट स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आप देखोगे मिरर जो है वो यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं। महिंद्रा जेनवन ऑटो फोल्ड मिरर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। डोर वाइजर लग चुका है, लोअर गार्निश का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी एक बार आपको दिखाते हैं कार का इंटीरियर। तो यहाँ पे डैम्पिंग वगैरह काम जो है वो भी कंप्लीट किया जा चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। 4 दरवाजों में डैम्पिंग जो है वो यहाँ पे कंप्लीट अपनी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों शॉप में आप देखोगे जितने भी गाड़ी के अंदर सामान निकला है, लाइक हेडलाइट निकली है, उसको यहाँ पे रखा हुआ है, कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाएगा। अपने जो मिरर्स मैंने आपको दिखाए, मिरर यहाँ पे रखे हुए हैं। जेनवन वाले जो मिरर लगाए जाएंगे ऑटो फोल्ड वाले, वो मैं आपको बाहर दिखा चुका हूँ। इसके अलावा आप देखोगे कुछ अपडेट गाड़ी के इंटीरियर से, दरवाजे वगैरह में काम जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि इनर हैंडल जो है जनरल वाले यहाँ पे चेंज किए जा चुके हैं, सिल्वर हो चुके हैं। इस वाली कार के अंदर जो लगकर आते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये अपना फुली जो है मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा पीछे की जो कैबिन लाइट है महिंद्रा जेनवन, उसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है। 2 पीस में जो है इसका यहाँ पर इंस्टॉलेशन रहेगा, प्रॉपर जेनवन जो है वो रहने वाली है। इस तरीके के अपडेट जो है वो रहेंगे। बाकी आप यहाँ पर चेक करोगे जो स्टीरियो आता है इस वाली कार के अंदर, उसको यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, और अब जो है इसमें टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि रहने वाला है अपना XL फिट में 12.3 इंच के साथ में। अभी गाड़ी का काम होता है आगे, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी अपने स्पीकर वगैरह जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ, जो इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। दरवाजे आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी में पैकिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पीछे की तरफ बूफर जो है कस्टमर लेकर के आए हुए थे, उसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी रहने वाला है, तो उसकी वायरिंग वगैरह जो है अपनी करी जा रही है। A few moments later. दोस्तों अपनी XUV 700 का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और बेस मॉडल गाड़ी को पूरा का पूरा कस्टमाइज जो है वो कर दिया गया है। बिल्कुल, एक अच्छे लेवल का काम जेनवन एक्सेसरीज के साथ जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल। तो रोहित भाई क्या कुछ लगा इसमें? पहले इसके अंदर महिंद्रा फॉग लाइट, ये हेडलाइट अपना डाला है X3 वाला। ठीक है, ठीक है। पहले वाला कुछ हेडलाइट था, मैं आपको रिमूव किया हूँ, वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो इस वाली गाड़ी के अंदर हेडलाइट आई थी उसमें DRL नहीं आया था। यहाँ पे आप चेक करोगे DRL की जगह पे कुछ इस तरीके क्रोम लगे हुए थे। बिल्कुल।
बट अभी जो है इसमें अपनी डीआरएल लाइट वाला जो है काम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लुक के लिए चाहिए गाड़ी, डीआरएल होनी चाहिए जिसमें, तो आप एक्स थ्री की हेडलाइट परचेज कर सकते हैं बिल्कुल, और इसके अंदर एलईडी लगवा सकते हैं ताकि इसका रिस्पांस आपको बहुत जबरदस्त मिल जाए। इसके अंदर हाइलोजन का सेटअप आता है एक्स थ्री वाले डीआरएल वाले में। हाँ जी, हमने इसके अंदर 220 का सेटअप किया इसके अंदर में, तो एक हाई बीम और एक लो बीम दो सेट जो है वो यहाँ पे देख सकते हो कितना तगड़ा इसके अंदर। तो हाई बीम लो बीम का रिस्पांस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, काफी दूर तक का रिस्पांस जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। उसके बाद हमने 360 कैमरा लगाया, तो फ्रंट कैमरा हमने इसके यहाँ पे लगाया इसके, तो कैमरे की प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड प्रोफाइल से आते हैं। 17 इंच स्टॉक टायर में हमने टायर अलॉय डाले हैं, तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये X5 में जो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है बाय डिफॉल्ट महिंद्रा से, सेम अलॉय जो है यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं बिल्कुल। बाकी कॉस्टिंग वगैरह की बात करें तो क्या 8000 रुपए का आता है बेस्ट टू टॉप वाले भाइयों के लिए। ठीक है, उसके बाद अपना मिरर फोल्ड है इसके अंदर में, तो बटन प्रेस किया मिरर अनफोल्ड हो गया, बटन प्रेस किया मिरर अपना फोल्ड हो जाएगा, प्लस इसका की के साथ भी है कोडिंग। ठीक है, साथ मतलब वर्क किया गया, और ये की के साथ भी प्रॉपर सिंक रहने वाला है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो गाड़ी अनलॉक है, गाड़ी को मैं लॉक करूंगा तो मिरर अपने फोल्ड हो जाएंगे, गाड़ी को मैं अनलॉक करूंगा तो बार में होता तो यहाँ पे अपना अनफोल्ड जो है वो हो जाएगा बिल्कुल। उसका 360 का नीचे कैमरा जो है इसकी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी बिल्कुल। ठीक है जी, आते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं साइड से अपना सेट एंड सिल्वर वाला इसका विंडो क्रोम है, जो कि अपना 6 पीस में रहेगा। यहाँ पे आप प्रॉपर जो एरिया है वो चेक कर सकते हो, कंपनी वाला रहेगा 8 पीस में आता है, आई थिंक 8 पीस इसका होता है। ठीक है जी, तो सारे इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। बैक प्रोफाइल से दिखा दो, बैक प्रोफाइल से क्या कुछ इसके अंदर हमने चेंज किया है। सबसे पहले आप देखोगे बैक प्रोफाइल से इसका सिक्वेंशियल इंडिकेटर वाला टेल लाइट, जो कि 8000 रुपए के रेंज में रहने वाला बेस्ट टू टॉप वाले भाइयों के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्टर बैक प्रोफाइल से हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, जो कि अपना आफ्टर मार्केट रहेगा बिल्कुल। इसमें इंडिकेटर, पार्किंग, ब्रेक वगैरह के फीचर सब कुछ आते हैं, एंड रियर व्यू कैमरा जो है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है बिल्कुल। बाकी आते हैं अंदर से, दिखाते हैं अंदर से क्या कुछ इसके अंदर चेंज हुआ है। तो रोहित भाई अंदर से क्या कुछ रहने वाला है? डोर पे देखोगे तो अपना जो 1000 लाइट कहते हैं वो इंस्टॉल है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी ये दो दरवाजों में है, चार दरवाजों में? ये दो दरवाजों में, आगे के दो दरवाजों में जो है वो मिल जाने वाली है। उसके बाद इनर हैंडल इसके अंदर इंस्टॉल है, जो कि अपना सिल्वर फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर चेंज है, आपको मैं समझाता हूँ। एक मैट इसके अंदर 90 डाला और एक वेलकम प्लेट है इसके अंदर में, आप चेकआउट कर सकते हो। तो प्रीमियम क्वालिटी का जो मैट है वो लगाया गया है, और XUV700 की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी वेलकम प्लेट के थ्रू, और ये जर्मन रहने वाले हैं। जर्मन है, ये चार पीस में आती है। इस गाड़ी के अंदर ना काम जो किया गया है बेसिक काम नहीं है, जो भी ये काम है हाई लेवल का थोड़ा काम है, और ज्यादा इंटीरियर नेक्स्ट टाइम होगा इसका। ठीक है, मतलब अच्छा काम जो है वो किया गया है, जो नीड वाली चीज थी उसके अंदर इंस्टॉल किया गया हुआ है। उसके बाद इसमें हमने सिस्टम लगाया अपना जो हाइपरसोनिक का रहने वाला है, कुछ ये आता है एक्सल फिट के अंदर आता है अपना। तो इसकी स्क्रीन साइज की बात करेंगे तो ये शायद 12.33 एक्सेल फिट के नाम से जो है अपना रहने वाला 464 DSP 360 IPS डिस्प्ले के साथ ये रहने वाला है, प्लस इसका कैमरा ये वाला कैमरा हाइपरसोनिक का ही जो इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना 360 व्यू के साथ रहेगा। कैलिब्रेशन भी हो गई है, तो वो भी अभी आपको दिखा देते हैं कैसे कुछ आउटपुट ऑफर करती है। उसके बाद MID कंट्रोल इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए, दोनों ही आप चेक कर सकते हो। MID कंट्रोल जो है वो इंस्टॉल अपने हो चुके हैं, जेन्युइन जो है ये अपना रहने वाले हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको स्टेरिंग रैप का AC बेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आई थिंक ये ऑप्शन मिल जाता है पियानो वाला, ये करा सकते हो। ठीक है, सॉफ्ट टच वगैरह इंटीरियर का ऑप्शन आ जाता है आपको। उसके बाद आपको डिस्प्ले दिखा दो, डिस्प्ले अपना 12.33 रहने वाला, ग्लोसी फ्रेम के साथ ही रहेगा अपना। प्रॉपर फिटिंग किस तरीके की रहने वाली वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 360 कैमरे की बात करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बर्ड व्यू जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। उसके अलावा फ्रंट में टैप करना है तो फ्रंट का व्यू देख सकते हैं, लेफ्ट साइड का व्यू, राइट साइड का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा, और रियर का जो व्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। इसमें आपको और फीचर्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। बाकी रिस्पांस वगैरह कैसा कुछ रहेगा डिस्प्ले का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉपर क्लियर विजन जो है वो रहने वाला है। स्क्रीन साइज बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कैमरा का रिस्पांस खराब आएगा या फिर टच रिस्पांस या फिर अपना जो है क्वालिटी वगैरह कम आएगी, सब कुछ परफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब जो है रहने वाला है, कैमरे का रिस्पांस मैंने आपको दिखा दिया है। एंड्रॉइड प्लेयर में आप देखोगे तो क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब है, यहाँ मैप है, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। इसकी वारंटी वगैरह क्या मिलती है अपने भाई? एक साल की वारंटी इसकी होती है अपना, कैमरे प्लस स्टूडियो का। ठीक है, दोनों आपको मिल जाता है। बाकी अपने पास सारे रेंज है, हर चीज रेंज है, जो चाहिए आपको वायरलेस चार्जर से लेके एनीथिंग सब कुछ अपने पास अवेलेबल होता है। ठीक, मैंने आपको टेल लाइट दिखा दी, हेडलाइट अलॉय, एनीथिंग कुछ भी कराना भेजिएगा, आ सकते हो कार्जोन क्रोल बाग में। बाकी हमने पार्ट का वीडियो से पहले बनाया हुआ है जिसमें हमने हर चीज के बारे में बताया है विद प्राइसिंग के साथ में। तो अगर आपने डिटेल में जानना है कि XUV700 में आप क्या क्या लगा सकते हैं विद प्राइसिंग, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और अच्छा फायदा उठा सकते हो बेस वाले और X5 वाले सिलेक्ट वाले जो भी, अपना बहुत बढ़िया इसके अंदर काम करके दूंगा आपको, जैसे हमने इसके अंदर MX में करके दिया। ठीक है, बाकी यही कुछ अपना काम रहने वाला है। रोहित भाई ने कार की सभी एक्सीज हमें दिखा दिए, मिलते हैं कार के ऑनर से, जानते हैं कैसा कुछ इनका फीडबैक आता है। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना।
मेरा नाम देवांश मिड्डा है। और भाई आपका नाम? मेरा नाम तुषार है। तुषार, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली से हैं, कृष्णा नगर, ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली से? तो यहाँ के बारे में पता कैसे चला आपको? ऑनलाइन पता लगा, यूट्यूब के थ्रू। वीडियोस वगैरह देखकर? हाँ, वीडियोस वगैरह देखी थी जी। ठीक है, तो सर आपने जाहिर सी बात है वीडियोस देखी होगी, तो और लोगों की वीडियोस भी आपने देखी होगी। हाँ, मैंने और बहुत से लोगों की देखी है वीडियोस। तो कार जोन पे ही आप क्यों आए, कोई खास वजह? इनके यहाँ के प्राइस बहुत जेन्युइन थे, बहुत ही मतलब, और बाहर जितने भी मैंने देखे हैं वेंडर्स से, उनसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल थे इनके। ठीक है, और बात करें अगर जैसे कि गाड़ी के अंदर आपने जितना काम करवाया है, तो आपने हमारी पार्ट वाली ये वीडियो देखी होगी या किसी दूसरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें जेन्युइन एसेसरीज ज़्यादा दिखाई थी हमने। तो यहाँ पे जब आप पहुँचे हो, जेन्युइन चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं? हाँ, मुझे जेन्युइन और रेलिवेंट चीज़ें मिली हैं। ऐसा नहीं प्राइस कम है तो चीज़ें जेन्युइन नहीं? नहीं नहीं, सारी चीज़ें रेलिवेंट है, मैंने खुद एक एक चीज़ चेक करी है और बिल्कुल सारी की सारी बढ़िया। ठीक है, काम की बात करें, काम में कहीं कुछ कमी फील? काम बहुत अच्छा हुआ है। स्टाफ बिहेवियर वगैरह? स्टाफ बिहेवियर बहुत अच्छा है और इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपको रेट करना हो सारे काम को, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 out of 10। भाई जानते हैं, भाई आप बताइए आपका कैसा लगा सारा काम वगैरह? काम बढ़िया था, कोई ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं थी, सब अच्छा मतलब ओके, टाइम से भी हो गया, कोई ऐसे वो लेट लती वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी तो जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं घर से, तो एक एक्सपेक्टेशन लेकर निकलते हैं कि इस तरीके का काम करवाना था हमें, तो एक्सपेक्टेशंस मीट हो चुकी है यहाँ पे? फुलफिल हो चुकी है। आपसे अगर नंबर ले जाए 10 में से, आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 पूरे नंबर जो है उनमें रहने वाले हैं। मतलब ओवरऑल आप लोग सेटिस्फाइड हैं जी? रिकमेंड करने का मौका मिले कल को रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, फ्रेंड्स को सबको रिकमेंड। ठीक है, रिकमेंडेशन लाइक काम जो है वो आपका यहाँ पे हो चुका है। हाँ जी। ठीक है सर, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।